नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीस्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे अंकिता भंडारी मर्डर केस की, जिसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो पहाड़ की बेटी अंकिता को इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल अब बड़ा हो चला है और हर बीतते दिन के साथ ये सवाल और भी बड़ा होता नजर आ रहा है। एक और मामले को लेकर अंकिता के माता पिता धरने पर बैठे हैं, सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब उत्तराखंड की सियासत अंकिता केस के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। इस मामले पर सियासी तड़का भी खूब लगने लगा है। सवाल ये भी है कि कहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस सियासी गलियारों में उलझ कर ना रह जाए। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की, साथ ही धरना प्रदर्शन को अपना समर्थन भी दिया। करण महरा ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात कर अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की और मशाल जुलूस भी निकाला। इस दौरान करण महरा SIT और सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने VVIP के नाम का खुलासा ना होने पर कई सवाल खड़े किए, साथ ही पूछा कि अंकिता के मर्डर से पहले की कॉल रिकॉर्डिंग आखिर अब तक क्यों नहीं खंगाली गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है, जो उत्तराखंड के लिए चिंता का विषय है। इस दौरान करण महरा के साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल भी मौजूद रहे। जिस विधायक के कहने पे रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की गई, उससे अभी तक पूछताछ नहीं हुई। पुलिस के DGP तत्कालिक अशोक कुमार ने अंकिता भंडारी के पिताजी और अपने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सोशल या लोगों के बीच में डाला, पब्लिक डोमेन में डाला, जो अपने आप में अपराध है। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद पुलिस ने बड़ी बहुत ही बेशर्मी से कमरे को VIP बताया, जबकि अंकिता के द्वारा व्हाट्सएप पर किए गए मैसेजेस को तवज्जो नहीं देकर एक कमरे को VIP बताना इस बात की ओर को संकेत करता है कि कहीं ना कहीं नियत में खोट था और VIP को बचाने की लगातार कोशिश हो रही थी। जिस प्रकार से स्वस्फूर्त लोगों ने आकर यहाँ पर अपना समर्थन किया इस मांग को, मैं समझता हूँ कि ये उत्तराखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। आज एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद जिस प्रकार से धामी सरकार ने अपने किए हुए वादे से बिल्कुल पूरी तरह मुकर गई है। धामी जी ने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी जो दोषी है उनको फांसी दूंगा, लेकिन आज वो तथाकथित VIP कौन है ये तक वो नहीं बता पाए। जो SIT इस बात की जांच के लिए बनी थी कि VIP कौन है, वो SIT इस केस को गुमराह करने का काम कर रही है और सिर्फ सरकार के इशारे पर कर रही है। सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि महिलाएं और लोग डर जाएंगे जो अंकिता भंडारी का साथ दे रहे हैं, बट जो उन्होंने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करके किया है और उसके बाद जो आज मातृशक्ति और जो पूरा श्रीनगर क्षेत्र यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, मशाल जुलूस यहाँ पे निकला है, तो कहीं ना कहीं वो सरकार की उस गलती की वजह से आज यहाँ पे हर एक व्यक्ति अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आ चुका है। तो ये एक गुहार है एक लड़की की, एक देवभूमि से जन्मी उस लड़की की, कि अगर आप सोच रहे हो कि हम डर जाएंगे, अगर आप सोच रहे हो कि व्यक्ति डर जाएगा जो अंकिता भंडारी के माँ बाप का साथ दे रहा है, जो आशुतोष नेगी का साथ दे रहा है, जो कातिलों को पीछे डालने के लिए लड़ रहा है, वो डर जाएगा तो वो कभी डरेगा नहीं, वो आगे हमेशा बढ़ेगा। और आप जो ये हरकतें कर रहे हो इससे हम लोगों का जोश और बढ़ेगा। ब्रिटेन में बात पौड़ी की कर लेते हैं, जहां पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ की मांग और तेज होने लगी है। वहीं दूसरी ओर अंकिता के परिवार की मदद कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पत्रकार आशुतोष नेगी की रिहाई, उन पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच और अंकिता के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल पत्रकार आशुतोष नेगी के खिलाफ अगरोड़ा के रहने वाले राजेश सिंह राजा कोली ने आरोप लगाए थे कि आशुतोष ने उनके लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, साथ ही धमकी भी दी है। कोहली लंबे वक्त से आशुतोष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आशुतोष नेगी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। अब क्योंकि आशुतोष अंकिता भंडारी केस को लेकर अंकिता के परिजनों का साथ दे रहे थे, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी होने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस मामले को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने पौड़ी श्रीनगर नेशनल हाईवे को
डोभ श्रीकोट के पास जाम कर दिया और सड़क पर बैठकर जमकर नारेबाजी की गई। मिले वो अपने गांव लौट के आए, हम जब तक राय नहीं मिले हम तब तक खड़े नहीं उठेंगे। और जेंट्स पुलिस आए, लेडीज पुलिस यहाँ नहीं आई, और उन्होंने हमको कहा हम फोर्स बुलाते हैं पुलिस के और मुकदमा करते हैं। क्या हमने खून किया तो हमें मुकदमा कोई करेंगे? वो कैसे मुकदमा करते? वो लेडीज पुलिस आती वो हमको उठा के वो हम पे वो गर्म हो गए यहाँ पे कि गोली चलाओ, कोई कमी थे तो बोलने का, काम लगाने का कोई शौक नहीं था। हमारा आशुतोष भाई कोरदार से काम से आ रहा था, उन्होंने 5 बजे उसको ऐसे खींचा, होता है बंद करने का तरीका, उन्होंने ऐसे खींचा हमारे आशुतोष भाई को, उन्होंने बंद कर दिया और अंकिता भंडारी की माँ को ऐसे फेंका। आज उन्होंने अखबार में छापा तो कर दिया, तो आशुतोष भाई ने वर्दी करी। आज उन्होंने ये नहीं देखा अंकिता भंडारी की सारी कमी, लेडीज पुलिस होती माँ की, लेडीज पुलिस होती तो ठीक था, जेंट्स पुलिस है। आज हम यहाँ पे धरना पे बैठे अपने भाई के बहने, उसकी मातृ वो है यहाँ पे, माँ बैठे, बहने बैठे, दादी बैठे। आज हमारा शासन प्रशासन आया, उन्होंने क्या बोला, धमकी दिया हमको, हम आगे मिलिट्री पुलिस बुलाते हैं, यहाँ से मुकदमा करते हैं, हमने कौन से खून किया है और जिन्होंने खून किया उसको तुम्हारे बिल्कुल बैठा रखा हुआ। तो देगी जी को पुलिस वालों ने घसीट के ले गए, हमने खुद देखा। और जो ये अंकिता वाला मैटर है उसमें भी अंकिता की माँ की तो पूरी कमीजी ये पुलिस वालों ने फाड़ दी थी और धक्के मार के उन्होंने उनको एक किनारे कर दिया था, तो ये तो अच्छी बात नहीं। लेडीज के ऊपर से तो ये होना नहीं चाहिए था, लेडीज पे तो जो लेडीज पे तो लेडीज पुलिस वाले अगर साइड करते तो कोई बात नहीं थी, पर ये जो जेंट्स पुलिस वालों ने उन पे धक्के मार के अलग किया तो ये बहुत ही ये अच्छा काम नहीं किया उन्होंने। हम आशुतोष भाई को रिहा करवाना चाहते हैं और अंकिता को न्याय दिलाना चाहते हैं। मिले वो अपने उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका लगा है, जहां मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी भी दी। बता दें कि मनीष खंडूरी पौड़ी सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे और वो साल 2019 में इस सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं। बता दें कि मनीष पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी के भाई हैं। मनीष खंडूरी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस में हड़कंप मच गया है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष ने मनीष खंडूरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो मनीष खंडूरी के इस्तीफे से कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बीच मनीष खंडूरी के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मनीष खंडूरी को हमेशा कांग्रेस में सम्मान दिया गया है, 2019 में उन्हें टिकट दिया गया था, लेकिन अब उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ये भी कहा कि अभी तक उन्हें कोई भी औपचारिक त्यागपत्र नहीं मिला है। करण महरा ने बताया कि उन्होंने मनीष खंडूरी से बात करने की कोशिश की लेकिन फोन पर उनसे बात नहीं हो पाई। देखिए, पार्टी ने पूरा सम्मान दिया है, 2019 में उनको टिकट भी दिया था लोकसभा का, और इस समय हमारी प्रोफेशनल जो एक टीम है दिल्ली की, उसमें 5 सदस्य हैं, उसके मुख्य सदस्य भी हैं। और जाने की खबर मुझे सोशल मीडिया से पता चली, अभी औपचारिक कोई उनका त्यागपत्र या कुछ हम लोगों को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कोशिश की थी बात करने की लेकिन फ़ोन लगा नहीं, शायद रीच में नहीं है। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं व्यक्ति पर, कभी व्यक्तिगत दबाव भी होते हैं, परिवार, क्योंकि पिताजी बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, बहन इस समय विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं, वो भी रीजन हो सकता है। व्यक्तिगत अगर कोई कारण होगा तो मेरी अभी जानकारी में नहीं है, बातचीत के बाद ही। चलो बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां रेलवे टनल निर्माण में ब्लास्टिंग हो रही है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे टनल के निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। हैवी ब्लास्टिंग से हो रही परेशानियों के समाधान के लिए ग्रामीण पिछले 2 सालों से लामबंद हैं, जहां समय समय पर अटाली, व्यासी, सिंगटाली और कौड़ियाल गांव के लोग धरना प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते नजर आते हैं, लेकिन अभी तक लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है, जिससे नाराज ग्रामीण पिछले 3 दिनों से
यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर की अगुवाई में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान डीएम मयूर दीक्षित के निर्देश पर उप जिलाधिकारी और तहसीलदार ने ग्रामीणों से बातचीत भी की, जिसमें बताया गया कि मकानों की मरम्मत के लिए धनराशि का तुरंत भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा गांव में पेयजल की समस्या सुचारू कर दी गई है, साथ ही जो पैदल मार्ग टूट गए हैं उनका भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। अधिकारी महोदय के द्वारा कल मुझे निर्देशित किया गया था, क्योंकि 82 गांव के लोग, अटाली गांव के लोग, ये 82 में हड़ताल पर बैठे थे 3 दिनों से। इनको मेरे द्वारा वार्ता करने के पश्चात इनको आश्वस्त किया गया कि आप लोगों की उप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करवा दी जाएगी, आप लोग आंदोलन को स्थगित कर दें या समाप्त कर दें। और अभी भी हम आंदोलन पे थे 82 में बैठे हुए, फिर हमारे लिए उप जिलाधिकारी तहसीलदार साहब ने हमें तहसील में बुलाया है। वहाँ तहसील में आके उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आरबीएनएल द्वारा जो भी क्षति हुई है आरबीएनएल इसकी पूर्ति करेगा। अगर पूर्ति नहीं करता है तो अभी हमने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित किया है। अगर नहीं करता, हमारा जो मांगे हैं उसमें ये खरे नहीं उतरते हैं, तो इसके बाद हम दोबारा धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। इसके लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। आज हम कई बार आंदोलन किया है और आज हम यहाँ पे आए हैं। इसका मुख्य कारण है कि जो हमारी मांगे कई दिनों से, कई सालों से चली आ रही थी, तो उसमें कुछ मांगे धीरे धीरे होती रही, परंतु अभी भी बहुत कुछ हमारे समस्या थी, जो समस्या का निराकरण आज तक नहीं हो पाया था, जिसमें प्रमुख समस्या जो आपके जो मकान में जो दरारें पड़ी थी, जो मकान ध्वस्त हो गए थे, उनका जो क्लेम था, जो उनका कंपनसेशन था, वो ना के बराबर बन रहा था, जिसके लिए हमने जो पुनः वहाँ पे आंदोलन किया, पूरे ग्राम सभाओं ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने वहाँ पे आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाबत इन लोगों ने एसडीएम जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें बुलाया गया कि आप यहाँ आकर के अपनी समस्या रखेंगे और हम उसका समाधान करेंगे। पर आज उन्होंने अपनी हमने वो समस्या रखी, उन्होंने जो हमें आश्वासन दिया और विश्वास दिलाया कि जो कंपनसेशन आपका बनाया हुआ है वो हम उसको इम्प्रूवमेंट जितना भी हो सके हम उसको ज्यादा से ज्यादा। उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा चल रही है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग अब छात्रों को मोटिवेट करता नजर आ रहा है। तो इन दिनों उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। बता दें कि छात्रों को मोटिवेट करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से कई कोशिशें की गई हैं। पीएम मोदी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम भी संजीदगी के साथ बच्चों तक पहुंचने का काम किया गया था। अब परीक्षाओं को लेकर उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक बंसीधर तिवारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि छात्र पूरे मनोबल के साथ एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की कई कोशिशें बच्चों को समय से रिजल्ट देने की है, लिहाजा इसके लिए काम भी शुरू कर दिया गया है, साथ ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि बच्चों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान हमने जितने हमारे बोर्ड परीक्षार्थी थे उनको जोड़ा था, अभिभावकों को जोड़ा था, आमजन भी उसे जोड़े थे। उस समय कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई थी कि तनाव से मुक्त कैसे रहें, दबाव से मुक्त कैसे रहें। हम लोगों ने भी पहले से ही मॉडल प्रश्नपत्र तैयार करके बच्चों को दे रखा है कि बोर्ड की परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उससे संबंध में उनको अभ्यास भी कराया है। जो एक्स्ट्रा क्लासेस थी वो भी हमने कराई है। तो जो मानसिक रूप से कहें और बौद्धिक स्तर पर भी जो परीक्षा की तैयारी थी, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि बच्चे तैयार होकर के ही परीक्षा में। बात नैनीताल की कर लेते हैं, जहां पर्यटन से रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। तो उत्तराखंड में पलायन की परेशानी बड़ी है। अब सरकार पर्यटन के जरिए रोजगार के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ के युवाओं को पलायन ना करना पड़े। इस कड़ी में कॉर्बेट नेशनल पार्क में नया पर्यटन जोन तैयार किया गया है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में नया पर्यटन जोन हाथी डगर तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ कुमाऊं के मुख्य वन संरक्षक दीप चंद्र आर्या और रामनगर विधायक दीवान सिंह भिस्ट ने किया। बता दें कि इस जोन का दायरा 32 किलोमीटर का है, जिसमें सुबह और शाम की पाली में 25 जैसी सफारी जिप्सियां सफारी के लिए भेजी जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। आज ये रामनगर क्षेत्र का तराई पश्चिमी वन प्रभाग में एक नया वाइल्ड लाइफ सफारी जोन खोला गया है, और पहले भी इस क्षेत्र में दूसरा एक जोन था इसमें फांटो जोन, और ये सेकंड जोन खोला गया है। इसका लगभग जो लंबाई है लगभग 25 से 26 किलोमीटर का लंबाई है सफारी का, और इसमें सुबह
25 और शाम को 25 जिप्सी का जो परमिशन इसमें। बात नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों ने इस दौरान धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो नरेंद्र नगर में सफाई कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिला। कई सालों से लंबित मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने पालिका ऑफिस में तालेबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें कि सफाई कर्मचारी ठेकेदारी प्रथा का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सफाई कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने और नियम्स के मुताबिक प्रमोशन और पेंशन समेत कई मांगों को लेकर सरकार के सामने रखी हैं। मांगे पूरी ना होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी भी दी गई है, जहां सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र नगर विधानसभा से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और सफाई कर्मचारियों की मांगों का उन्होंने समर्थन किया। मामला ये है कि 365 दिनों में से 365 दिन हम काम पे आ रहे हैं, ना हमारी छुट्टी है ना कुछ है, ये तो शोषण ही एक तरीके से। और हमारी डॉक्टर ललित मोहन रायल कमेटी जो 2021 से जो लागू किया है वो लागू कर नहीं रहे हैं, ना उसमें पदोन्नति है, उसमें ये पेंशन का भी है, उसमें कई हमारे मुद्दे हैं, ऐसे बीमा वगैरह भी है। सो इन चीज़ों को लेकर हमारी हड़ताल है। हमारी मांग ये है कि मतलब 5 से 10 साल जिसको हो गए हैं लगातार करते हैं, वो उसको नियमितीकरण किया जाए। खत्म करने के विषय में है ये हड़ताल हमारी। पेंशन पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी लागू नहीं है, उनकी लागू की जाए और पदोन्नति की जाए। आउटसोर्स जो है हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं उनको आउटसोर्स हटा करके संविदा में लिया जाए, दैनिक वेतन पर लिया जाए। और जो डॉक्टर रायल की कमेटी है उसको लागू किया जाए। ये है कि आखिरी बात श्रीनगर की कह लेते हैं, जहां महाशिवरात्रि पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तो श्रीनगर में महाशिवरात्रि के मौके पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कीर्ति नगर स्थित श्वास्त धाम लक्ष्म मोली में स्वामी अवदेतानंद महाराज ने किया, जिसमें ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों ने भी अपनी सेवाएं दी। यहां पहुंचकर श्रद्धालुओं ने एक और भगवान शिव का जलाभिषेक किया, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य शिविर का भी लाभ उठाया। स्वास्थ्य शिविर में करीब 200 श्रद्धालुओं ने अपना हेल्थ चेकअप कराया। यहां पे जो प्रोग्राम होते हैं और साल भर में सिर्फ एक दिन की बात होती है जिसमें हम यहाँ शामिल होते हैं। हमारे स्वामी जी के प्रति और शिवालय के प्रति बहुत श्रद्धा है। मंदिर के मैं क्या बताऊँ, मंदिर तो है कि ये प्राचीन है, ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। ये शिवरात्रि को तो बहुत सुंदर मेला लग रहा है और साथ साथ सभी के स्वास्थ्य शिविर भी है और लंगर का भी है और पूजा कार्य चल रहा है, हवन कार्य चल रहा है और प्रवचन आदि का चल रहा है, राम कथा चल रहा था। इसे राम कथा को हम लोग इतने सुंदर ये मना रहे हैं, जो आज जो सुनने वाले वो सुनना ही चाहता है, वो बाहर जाना नहीं चाहते। मैं चाहता था कि सभी लोग सभी समय पर आए और कथा सुने। साथ साथ जो हमारे एम्स के जो डॉक्टर्स आ रखे हैं, दे आर गेटिंग वेरी मच बेनिफिट फ्रॉम द एम्स डॉक्टर्स। मैं चाहता था कि उनके सामने रहें और स्वास्थ्य परीक्षण करें, साथ साथ मेंटली परीक्षण हमारा सत्संग है तो उसमें भी सभी भाग लें। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर, यहाँ मैं पहले भी रहा हूँ और अभी मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं में काफी ज्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर को लगातार चेक करते रहें, जिससे कि ब्लड प्रेशर अपना कॉम्प्लिकेशन न दिखा सके। के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।